एकता नर्सरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी का वह खूबसूरत आकर्षण जहां विविधता है, प्रकृति है, खूबसूरत रंग हैं और सुकून भरा एकांत है। मां नर्मदा की गोद में बसा एकता नगर इतने जादुई रंगों से भरा है कि इसे जितनी बार भी देखा जाए हर बार नया सा लगता है। मां नर्मदा के तट पर ही एकता नर्सरी को बनाया गया है। यहां पहला कदम रखते ही आप प्रकृति की गोद में खो जाते हैं। घने पेड़, नर्म घास, ठंडी छांव और नर्मदा नदी का कलरव करता हुआ पानी आपको भागदौड़ भरी दुनिया से दूर एक सुकून भरा एहसास देता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नर्सरी की परिकल्पना की थी, जो आज हकीकत के रूप में लोगों के सामने है। एकता नर्सरी स्टैचू ऑफ यूनिटी का वह आकर्षण है जहां से आप प्रकृति को नजदीक से समझ सकते हैं। एक पर्यटन केंद्र के साथ साथ एकता नर्सरी रोजगार का माध्यम भी साबित हो रही है। यहाँ के हस्तशिल्प उत्पादों को स्थानीय महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें तैयार करने में बांस और सुपारी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह की ये बहनें सौंदर्य उत्पादों को भी यहीं तैयार करती हैं, जिसमें साबुन, शैम्पू, स्क्रब और फेस वॉश जैसे उत्पाद शामिल हैं। ये उत्पाद पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। यहाँ के उत्पादों को घरों की सजावट में इस्तेमाल किया जाता है, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा जापानी पद्धति को अपनाकर तैयार किए गए बोनसाई गार्डन और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। यहाँ आपको पीपल, आम और बरगद जैसे विभिन्न प्रजातियों के बोनसाई मिल जाएंगे। एकता नर्सरी में 10 लाख से अधिक पौधे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक पौधों को या फिर उत्पादों को खरीद भी सकते हैं। मैं बोनसाई यूनिट में काम करती हूँ। बोनसाई एक जापानी टेक्निक है। बोनसाई अलग अलग पेड़ लेके भी बना सकते हैं। बोनसाई बनाने के लिए एक पॉट और एल्यूमिनियम के तार से अलग अलग शेप देकर भी बोनसाई बना सकते हैं हम, जैसे पीपल है, वॉड है, एडेनियम है, फाइकस है, सब ये अलग अलग प्रकार की बोनसाई है, जैसे हम घर में सुशोभन के लिए रख सकते हैं। एकता नर्सरी में पौधों के संरक्षण और संवर्धन के अलावा यहाँ की स्थानीय जनजाति और संस्कृति को भी दिखाया गया है। आदिवासी कलाकृतियाँ, झोपड़ी, कुआं और उसके साथ साथ लकड़ी और मिट्टी से बने सामान भी यहाँ आप देख सकते हैं। और हाँ, जब आप यहाँ घूमते घूमते थक जाएं, छांव भरी बेंच पर कुछ देर आराम फरमा सकते हैं। एकता नर्सरी जो पूरे 5 एकड़ में बना हुआ है और यहाँ पे अलग अलग सभी प्लांट की वैरायटी है। साथ में बोनसाई सेक्शन है, बोनसाई के सभी अलग अलग प्लांट है। तो बोनसाई कैसे बनता है और कितने सालों में वो कितना बड़ा होता है वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है। और जो सीखने के बाद अगर वही प्लांट आपको खुद लेके जाना हो तो भी आप लेके जा सकते। एक और यूनिक बात है यहाँ की कि यहाँ पे ऑर्किड सेक्शन है, जो अलग अलग जंगल में, जैसे आसाम है, उत्तराखंड है, वहाँ पे जैसे ऑर्किड के फ्लावर होते हैं नेचुरली जंगल में, वही प्लांट का यहाँ पे सेक्शन बनाया हुआ है और उसमें भी